हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा प्लम स्किन केयर का जो परचेज है, जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया था। प्लम जो ब्रांड है उस पर इस समय सेल चल रही है। ये प्लम का 8th बर्थडे है, सो प्लम पे इस टाइम पर ऑफ़र है, अप टू 50% आपको मिल जाता है। तो मैंने उसी टाइम पर ऑफ़र को देखते हुए मैंने कुछ स्किन के प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना वाली हूँ वो है मेरा सीरम। है ये एक सीरम, ये है प्लम का राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड 10% सीरम। और इसका जो MRP है वो है 790, बट ये मुझे अराउंड 580 और 560 समथिंग का कॉस्ट किया है बिकॉज ऑफ द बिग 8 बर्थडे बैश। ओके, सो प्लम की तरफ से मुझे ये कुछ कूपन रिसीव हुए हैं मेरे ऑर्डर के साथ में। ये मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये प्रोडक्ट्स मैंने सारे के सारे प्लम के ओरिजिनल वेबसाइट से ही ऑर्डर किए थे। तो इस तरीके से प्लम ने मुझे ये कूपन सेंड किए हुए हैं, 4 कूपन उन्होंने मुझे सेंड किए हैं। पहला कूपन है 200 ऑफ है और इसमें कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट वैल्यू नहीं दी हुई है। सेकंड है 20% ऑफ, इसमें भी कोई अमाउंट वैल्यू नहीं है। थर्ड है 500 ऑफ के लिए और इसमें है ऑन परचेज ऑफ 2000, यानी कि 2000 तक आप शॉप करेंगे तब आपके 500 रुपये ऑफ हो पाएंगे। और फोर्थ जो कूपन है वो है 1000 रुपीज़ ऑफ के लिए और इसकी जो परचेस अमाउंट है वो है 3000 रुपीज़। सो ये कूपन उन्होंने मुझे दिए थे। तो ये जो नाइसिनामाइड का ये जो सीरम है 10% नाइसिनामाइड, तो इसकी कॉस्ट है 790, पर ये मुझे 560 और 580 समथिंग का कॉस्ट किया। और इसका जो क्वांटिटी है ये है 30 ml, ये 30 ml में मैंने ऑर्डर किया था। तो इसका मैं आप लोगों को अंदर से टेक्सचर दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये इस तरीके का है, ओके, और ये काफ़ी थिक है, ये वाइट कलर का है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी। और इसमें फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल हल्की सी है फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसको यूज़ करने का तो एक्चुअली मैंने अपने लिए ऑर्डर नहीं किया है, मैंने मेरे भाई के लिए ऑर्डर किया है बिकॉज़ उसको सारे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स के स्पॉट्स, पिंपल्स रहते हैं, ऑयली स्किन रहती है उसकी। तो उसके लिए मैं ये सीरम हर बार ही ऑर्डर करती हूँ और मैं अलग अलग ब्रांड से ऑर्डर करती हूँ। इससे पहले मैंने डॉट एंड की और डर्माको, यस डर्माको एंड डॉट एंड की का सीरम ऑर्डर किया हुआ था। तो ये हो गई मेरा पहली परचेज। और मेरी जो सेकंड परचेज है प्लम से वो है ये एक डे क्रीम है, ये प्लम की एक डे क्रीम है और ये 60 ml की क्वांटिटी में है। और इसमें SPF 30 मिल जाता है और ये है ग्रेप सीड एंड सी बट कॉर्न। और ये है लाइट स्टे डे क्रीम, ओके। और इसकी जो MRP है वो है 475 रुपीज़। और अब इसका क्या रिज़ल्ट है ये मुझे नहीं पता है, बस मुझे एक लाइट मॉइस्चराइज़र चाहिए था एक तरीके से। तो मुझे पर्पल पे इस समय सेल के समय में ये अच्छा लगा तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है। इसका मुझे याद नहीं है ठीक से कि मैंने इसका कितना पे किया है, बट अगर मुझे पता होगा तो मैं या तो स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी या फिर मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बता दूँगी। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट परचेज है वो है ये प्लम की तरफ से उनके लिप बाम्स। ये हैं प्लम के कैंडी मेल्ट्स,
वीगन लिप बाम्स। तो ये मेरे पास हैं दो। इनका जो फ्लेवर्स हैं वो हैं मेलन बबल यम और दूसरे का है बेरी फीस्ट। यू गाइस कैन सी। ओके सो ये कॉस्ट करते हैं 295 ईच और इसमें आप लोगों को मिल जाता है 20 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। और ये दोनों ही मुझे एक कॉम्बो में मिले हैं प्लम में। और ये दोनों लिप बाम्स मुझे अराउंड 325 और समथिंग के पड़ गए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको ओपन करके। यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे लाइक दिस एंड ये रहा। वाओ लुक सो क्यूट लाइक बेबी पिंक। वाओ वाओ सो हाँ इसमें समथिंग मैं आपको कैसी बताऊँ, जो बबल गम टाइप की जो स्मेल होती है ना, जो फ्रेग्रेंस होती है वही मुझे आ रही है, बबल गम टाइप या फिर कैंडी। कैंडी होती है ना जो वाटरमेलन कैंडी होती है, जो एक उस टाइप की फ्रेग्रेंस है इसमें। और जो मेरे पास सेकंड है ये है वेरी फीस्ट। तो इसको भी मैं ओपन करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ये है हमारा बेरी फीस्ट और ये ऐसा है। और एक्चुअली इन दोनों की ही फ्रेग्रेंस मुझे तो सेम ही लग रही है, कुछ खास फ़र्क नहीं मुझे इन दोनों में समझ में आ रहा है। और ये क्योंकि कैंडी वाले रेंज से हैं ये दोनों लिप बाम्स, कैंडी मेल्ट करते हैं ये, तो इन मुझे लगता है कि शायद इस रेंज के सारे लिप बाम्स में ये कैंडी वाली स्मेल ही आती होगी, ऐसा मुझे लगता है। बट मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इन लिप बाम्स को लेकर के। तो मैंने ये जो तीन प्रोडक्ट्स ख़रीदे हैं, ये सेरम और ये मॉइस्चराइज़र या डे क्रीम और ये जो लिप बाम्स, तो मुझे इनके साथ में मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भी फ्री रिसीव हुए हैं प्लम के तरफ से। क्योंकि इस समय मैंने आपको बताया जैसा कि प्लम पे ऑफ़र चल रहा है 8th birthday का, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो है ये प्लम का वाइटामिन सी टोनर। वाइटामिन सी 1.5% है इसमें और ये फ्रेग्रेंस फ्री टोनर है और इसका क्वांटिटी है 100 ml। और सेकंड जो प्रोडक्ट मुझे फ्री में मिला है वो है प्लम का वाइटामिन सी 3% मॉइस्चराइज़र ग्लो बूस्ट। ओके और इसकी नेट वॉल्यूम है यानी कि क्वांटिटी है 50 ml। और ये जो मॉइस्चराइज़र है वाइटामिन सी वाला, ये कॉस्ट करता है 550 rupees, जो कि मुझे एब्सोल्यूट फ्री रिसीव हुआ है। और ये जो मेरा टोनर है वाइटामिन सी 1.5%, ये कॉस्ट करता है 425 rupees और ये भी मुझे फ्री में मिला है। सो ये थी मेरी प्लम की परचेज। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गई हूँ ओपन करके, वो है ये मेरा परचेज किया हुआ प्लम का SPF 30 सी ग्रेप सीड वाला जो मॉइस्चराइज़र डे क्रीम है ये। तो मैं इसको ओपन करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। बिकॉज मेरे ये प्लम के ये सारे प्रोडक्ट्स ही मेरी फर्स्ट परचेज है इस ब्रांड की तरफ से, क्योंकि मैंने इससे पहले प्लम ब्रांड का आई डोंट थिंक सो कि कुछ यूज़ किया है, मुझे मैंने नहीं किया है। बट हाँ मैं हमेशा से ही करना चाहती थी प्लम के प्रोडक्ट्स यूज़, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी सुना हुआ था मैंने। और ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये वेगन होते हैं एंड क्रुएल्टी फ्री होते हैं टोटली। सो मैंने इसको ओपन कर लिया है और मैं इसका थोड़ा सा अमाउंट अपने हैंड पे लूँगी। ओके मीडियम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है। और फ्रेग्रेंस है बट बहुत ही सूदिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से लाइक ब्लास्ट टाइप का नहीं होगा। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस लगी मुझे और वाओ ये कितनी जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, मुझे बस एक दो बार रब करना पड़ा एंड प्रोडक्ट पूरा का पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है कम्प्लीटली। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड आज
आज मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बस यही था। तो जल्दी से मैं मिलती हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।